सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग होने वाला हमारा नॉर्मल स्टडी ब्लॉग, एंड इसमें तुम्हें मैं आगे जाके एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना। सो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। सो गाइज, मैं अभी अपना जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, एंड इसमें पढ़ रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 and 3, और आज ही मैं दोनों चैप्टर पढ़ दूंगा। और एक बड़ा सवाल कि मेरे इतने दोनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ जाते। सबसे मेन रीजन है कि मैं कुछ बहाना नहीं मारूंगा, या मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एंड एडिट करने का मन नहीं कर रहा, मतलब ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा, कुछ मन नहीं कर रहा भाई। फुल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब टाइम पास कर रहा हूँ, और कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या कर रहा हूँ मैं, एंड करना चाहता हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और हर बंदे की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बट उससे बाहर निकलने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। सो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं देना चाहता मैं, बट यार मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। सो मैं पढ़ूंगा यार अच्छे से, अब देखना यार एक चैलेंज लेने वाला हूँ मैं आगे जाके। सो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो गाइज, अभी मैं गया था कहीं घूमने के लिए, एंड वहाँ से आ चुका हूँ, और अब मैं कर रहा हूँ अपना ट्रेडिंग। एंड इसमें गाइज बहुत मज़ा आता है मुझे, मतलब मैं जब जियोग्राफी पढ़ रहा होता हूँ ना, तब मुझे लिटरली इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे ट्रेडिंग में आता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि यार ये कुछ नई चीज़ है ना, तो नई चीज़ों को सीखने में थोड़ा मज़ा आता है स्टार्टिंग में, एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए गाइज कुछ ज़्यादा मज़ा आता है नई नई चीज़ें सीखने में। और भाई मुझे ट्राई करने में अच्छा लगता है कुछ नया नया, और मैंने आज तक ब्लॉग में कुछ नया ट्राई नहीं करा, बट अगले ब्लॉग से मैं ट्राई करने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉर्ट्स ले सकूँ नए नए ब्लॉग्स में। बट आज का सिनेमैटिक शॉर्ट्स आपको कैसा लगा कॉमेंट में बता सकते हो। तो गाइज, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ, एंड मुझे पता है यार ये ब्लॉग इतना छोटा बना है भाई, मैंने आज तक इतना छोटा ब्लॉग नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं यार, ब्लॉग बनाना था यार, बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना था। सो मेरा एक प्लान है कि मैं 21 डेज का चैलेंज लेने वाला हूँ, एंड उसके रूल्स वगैरह सब कुछ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करूँगा, जिसमें हमारा पहला दिन होगा चैलेंज का। सो मेरे दिमाग में यार एक कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ 21 डेज तक, या फिर मैं बीच बीच में एक दिन का गैप लेके व्लॉग डालूँ, क्योंकि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि डेली भी कर सकता हूँ और वैसे भी कर सकता हूँ, एंड यार तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या चाहिए, तुम कमेंट में बता दो यार, एक बार फाइनल क्लियर कर दो मेरे को क्या चाहिए तुम्हें, और मैं लिटरली पूरी पूरी कोशिश करूँगा वो चीज़ करने की। एंड इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।